अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अब्बास व्लॉग्स। जैसा कि आपको मालूम है कि हक खतीब साहब और इकरार हसन साहब के दरमियान जो मामलात चल रहे हैं, तो रात उनकी जो वहां पे मुलाकात हुई है उसके बारे में थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट जो अपडेट है मेरे पास वो आपको देने जा रहा हूँ। कि सबसे पहले तो उन्होंने जब 14 फरवरी का चैलेंज एक्सेप्ट किया और इकरारुल हसन साहब भी वहाँ पहुँचे और खतीब साहब भी वहाँ पर पहुँचे, तो इकरारुल हसन साहब ने जाते ही वहाँ पे जी वीडियो बनाना शुरू कर दी कि जी मुझे 2 घंटे से यहाँ पे यार का मार बना रखा है। तो पहली बात, वो आप ये मुझे बताएं कि वहाँ पे इतनी पुलिस होने के बावजूद, इतनी नफरी होने के बावजूद, इनको वहाँ पर यरगमाल कैसे बना लिया? एक तो बात ये इनकी झूठ साबित हुई, दूसरा फिर हक खतीब साहब और इकरारुल हसन साहब जब आमने सामने हुए तो इन्होंने कहा था कि मैं वहाँ जाकर जो है ना वो मैं पीर सैयद इकरारुल हसन वहाँ पे जाके जो है वो आँखों से चेन निकाल के दिखाऊंगा और नाक से मुंह से कील निकाल के दिखाऊंगा, जबकि ऐसा भी इन्होंने वहाँ पर कोई बात नहीं की। और हक खतीब साहब के बारे में इन्होंने बात की थी, आप मुझे पढ़कर बताएं कि आयात आप कौन सी पढ़ते हैं जब आप दम करते हैं, तो भाई वो आपको बताने के मजाज नहीं, वो जो भी दम पढ़ते हैं वो अल्लाह ताला की कलाम है, चाहे वो बेशक फूंक ही मारते हैं लेकिन उनकी फूंक में अल्लाह ताला ने शिफा रखी है, तो वहाँ पर लोग आते हैं, लोग पागल हैं जो इतनी दूर दूर से वहाँ पर आते हैं। और फिर जब उन्होंने पीर मुसन्नफ अली सरकार की बात की तो इकरारुल हसन साहब ने कह दिया कि जी वो तो मेरे लिए बायस बहुत ही एहतराम के हामिल हैं और मेरी सर आँखों पर हैं। जब वो आपकी सर आँखों पर हैं तो फिर ये भी तो उनकी औलाद है ना, ये उनके गद्दी नशीन है। यार इसी बात, हर किसी जो लड़ी होती है उसमें कोई गद्दी नशीन तो होता है, तो हक खतीब साहब उनके गद्दी नशीन हैं, तो आपकी फूंक से जो है वो लोगों को शफा मिलती है तो लोग वहाँ से आते हैं। तो इकरारुल हसन साहब ने, जब बाबा जी साहब ने उनको फरमाया कि ठीक है मैं अभी जो है मुंह से जंजीर निकाल के दिखा देता हूँ और अगर ना निकाल के दिखा सका तो आप मेरा जो वो सर कलम कर दीजिएगा, तो इस पर उन्होंने बच्ची के नाक से जो है वो जंजीर निकाल कर दिखाई, तो इकरारुल हसन साहब ने वहाँ पे भी तनकीद की जी आप एक और निकाल के दिखाएं। भाई जो उनके अंदर जो चीज़ होती है वही उन्होंने निकाली है, कोई अपने से डाल के तो नहीं उन्होंने निकाल देनी कि जी ये चीज़ मैं अपने से डालूंगा अंदर और फिर वो बाहर निकाल दूंगा, ये अल्लाह ताला की अल्लाह ताला के काम है, जो चीज़ उसके अंदर थी वो निकल आई। तो फिर जब वो वहाँ से भी हार हुई, जब उनको शिकस्त हुई तो उन्होंने बाहर आकर फौरन वीडियो जारी कर दी जी कि हम वहाँ गए थे, हमारे कैमरे छीन लिए गए, हमारे पर तशद्दुद किया गया। अगर आप पे तशद्दुद किया गया तो आपके चेहरे पर तो कोई निशान नहीं था, तशद्दुद किया गया आप पर, इतनी नफरी पुलिस होने के बावजूद, इतनी खुदा की मखलूक होने के बावजूद आपके ऊपर उन्होंने तशद्दुद कर दिया और यह माल भी बना लिया और फिर आपको बाद में छोड़ भी दिया, तो ये बात जो है कोई समझ में नहीं आई। तो ये सब मनगढ़ंत बातें हैं, वहाँ से इनको शिकस्त का सामना हुआ है और अब आप इन्होंने आकर जो है ना वो मीडिया पे ढंडोरा पीट दिया कि वहाँ पे हमें तशद्दुद किया, हम पर ये किया, इधर उधर किया, अब इन्होंने मारनी शुरू कर दी। तो अल्लाह ताला की कलाम वो पढ़ते हैं, वहाँ पे उनको शिफा लोगों को मिलती है तो लोग जाते हैं। मैं ख़ुद वहाँ पर गया हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने सेहत दी है, तंदरुस्ती दी है, शिफा दी है और मैं आज आपके सामने माशाल्लाह बिल्कुल फ्रेश बैठा हूँ। जब मैं गया था 2-3 बंदे जो है ना वो मुझे पकड़ कर ले गए, तो इस औलिया कराम के मज़ार की हम इज़्ज़त करते हैं, वहाँ पर जाना चाहिए। तो अल्लाह ताला के कलाम पढ़ते हैं, वो अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं, तो इसीलिए अल्लाह ताला जो है ना वो उनके वसीला से शफा अता फरमाता है, ठीक है। और हक खतीब साहब का भी यही कहना कि मेरे पास अल्लाह ताला तो उन्हीं को भेज जिनको तूने शफा अता करनी है, तो वही वहाँ जाते हैं जिनको शफा में मिलनी होती है, बदबخت वो लोग वहाँ नहीं जाते। तो आज तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।